नाज़रीन इंडोज टीवी दी स्पेशल ट्रांसमिशन दे विच जी आया अज असी तुहानू इस दुनिया दे एक अजीबो गरीब मुल्क दे कुछ बदकिस्मत लोकां दी कहानी सुनान जा रहे हैं। शायद तुहानू इस कहानी दे विच इंटरस्ट ना होवे क्योंकि कहानी तो ज्यादा एक हकीकत है ते असी लोग अक्सर हकीकत तो मूँह मोड़ लेने। ये कहानी है पाकिस्तान दे ओ बदकिस्मत लोकां दी जिहड़े 6 महीने भुखे ते प्यासे पानी नाल मरदे आ ते 6 महीने पानी च डुब के मरदे। ये कहानी है उन्हां लोकां दी जिहड़े साडे वर्गे ही है जिन्हां दे कोल 2 हाथ 2 अखां 2 कन्न 1 नक्क जिदा दे असी हैं उंज दे ही ओह ने जिन्हां नूं वेख के सानू इवें लगदा है कि ये भी इंसान ही ने पर ओह ऐसे बदकिस्मत लोग ने जिहड़े हर साल मिस आबी मैनेजमेंट की वजह तो मिस वाटर मैनेजमेंट की वजह तो इस मुल्क दे विच अपनियां जानां दे दिंदे। नाज़रीन मैं गल कर रहा पाकिस्तान दे ओ बदकिस्मत लोग ते ओ बदकिस्मत जिलियां दी जिथे हर साल सैलाब आंदा है ते दस के आंदा है कि मैं आन लगा ते उस सैलाब नू रोकन लई वड्डी वड्डी टेक्नोलॉजी वड्डे वड्डे ऐवाना दे वड्डे वड्डे टिड्डां वाले लोग भी कदी उहदे विच जां उहदे बारे च नहीं सोचते। पिछले 2.5 महीनों के 935 लोग इस सैलाब की वजह तो इस जहान तो चले गए। उस 935 लोगों के बच्चे औरतां ते बुढ़े लोग भी शामिल ने जिन्हां दियां लाशां जिहड़ियां ने वो गारे दे विचों मिलदियां ने। वो लाशां शायद सवाल ना कर सकन, वो लाशां शायद मूँह थानी बोल के ना दस सकन कि साडा कसूर की है, पर वो लाशां दे उत्ते एक सवालिया निशान है कि असी इंसान नहीं हाँ। पाकिस्तान दे तकरीबन 35 लाख लोग इस वेले सैलाब तो मुतासर ने। एक जगह सैलाब दे वजह तो लोग पानी च डुब रहे ने ते दूसरे पासे हैलीकॉप्टर दे उत्ते उन्हां दियां अमदादी कारवाइयां दा फोटो सैशन ते जायजा लिता जा रहा है ते ये वेख्या जा रहा है कि किन्ने मर गए ने ते किन्ने रह गए ने। कोई प्लैनिंग्स नहीं कीती जा रही, कुछ भी नहीं सोचा जा रहा कि जो होना सी वो हो गया, हुण अगले साल लई असी की करना। उच्चे पंजाब वालों ट्रक भर भर के नीवे पंजाब वाल जा रहे ने ताकि लोगों की मदद की जाए। खुदा की अजमाइश या रब की अजाब आखन वालों सिर्फ ये सवाल है कि उन्हां लोकां दे क्यों अजाब या उन्हां लोकां दे क्यों अजमाइश। रब की अजमाइश अगर आवे तो उन्हां ईवाना दे उत्ते आएगी जिहड़े बैठे ने जिहड़ा ये हलफ लैके हकूमत चाहते ने कि असी पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत करांगे। पाकिस्तान के इस वेले सूबा बलोचिस्तान सिंध ते पंजाब के जिलों के सैलाब ते बारिशां ने तबाही मचाई हुई है। पाकिस्तान तो अलावा पूरी दुनिया च बारिशां होंदियां ने, पूरी दुनिया च पानी आंदा है, बल्कि बहुत सारे मुल्क ऐसे ने जजीरियां ते आबाद ने पर कदी भी उन्हां दा हाल इंज नहीं होया जिहड़ा हाल इस बदकिस्मत मुल्क दे नाल हो रहा। 50 करोड़ डॉलर गैर मुल्की मदद पाकिस्तान नूं मिल गई है। इस तो अलावा होर मदद दे भी ऐलान हो रहे ने। 50 करोड़ अमरीकी डॉलर का मतलब है पाकिस्तान की रकम के मुताबिक 11 अरब रुपया। ये 11 अरब रुपया वो 35 लाख लोगों तक अगर पहुंचे भी तो वह कैलकुलेशन के हिसाब न बनता है 3200 रुपया पर परसन, एक बंदे 3200 रुपया गैर मुल्की मदद। तो जो रोज़ की बुनियाद पर फंड इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान के, इस तो इलावा है
सवाल इत्थे पैदा होंदा है कि ये इमदाद ये रकम ये जिन्ने भी फुरतीलियां ये जिन्ने भी इकदामात उस आम बंदे तक पहुँच रहे ने जिदे 20 लख मवैशी पानी च रुड़ गए ने जिदे 20 लख डंगर जड़े ने मर गए ने ये उहदे तक पहुँच रहा है। अगर पहुँच रहा है तो वह एक वक्त की रोटी लई वह गंदा पानी पीन लई क्यों मजबूर है? तुहानू ऐसी ऐसी सोशल मीडिया से वीडियोज़ तो ऐसी ऐसा तस्वीरां वेखन नू मिलनगियां कि तुसी वक्ती तौर पर आप दीदा हो के तो उन्हें स्वैप कर दोगे तो उस वीडियो या तस्वीर को अगे लगा दोगे तो अगले ही लम्हे वह बंदे इस दुनिया तो गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान दे विच जो कोविड-19 आया सी तो 5 रुपए वाला मास्क 500 रुपए का विकया सी, हुण यही हाल फिर हो रहा है। कराची च वह टेंट वह खैमा जिहड़ा कि 2000 रुपए का सी इस वेले 15,000 रुपए का मिल रहा है। तो असी फिर हाथ चुक के दुआवां करते हैं कि साडे हुक्मरान गलत है, तो असी की है ये तारीख या ये तस्वीर का एक अलग रुख हैगा जिहड़ा मैं तुहानूं विखाण जा रहा हाँ कि पाकिस्तान दे विच जदों भी कोई इस तरह की हंगामी कैफियत आती है, जदों भी दवाई मुकन लगती है तो दवाई स्टोर हो जाती है, जदों भी बंदे मरन लगते हैं तो उन्होंने मरण तो पहले इमदाद इकट्ठी की जाती है, जो लोग मर जाते हैं तो उन्होंने वास्ते फिर हाथ चुक के इमदाद गैर मुल्कियों को मंगी जाती है। पाकिस्तान का वो जिला या पाकिस्तान का वो इलाका जिथे आम बंदा मर रहा है उस आम बंदे का कसूर सिर्फ इन्ना है कि वह इस मुल्क का वासी है। इंडोज टीवी की इस रिपोर्ट से मैं सिर्फ तुहानू यह दसना चाह रहा हाँ कि पाकिस्तान दे विच सैलाब आना कोई भी कुदरती ते नागहानी आफत नहीं है। पाकिस्तान च सैलाब आना पाकिस्तान की गौरमेंट की मिस वाटर मैनेजमेंट है, बस होर कुछ भी नहीं। साढ़े कोल रिसोर्सिज नहीं है, साढ़े कोल कोई ऐसा काबल बंदा नहीं है जिहड़ा इस बारे च सोच सके, क्योंकि साडा काम सिर्फ यह है कि असी उच्चा पंजाब असी कुछ एक मखसूस हिस्सा उहदे तो हुक्मरानी करनी है, उत्ते फोटो सैशन करवाना है, अपनियां तिजोरियां भरनियां है, स्विस बैंक अकाउंट्स बनाने ने, अपने बच्चे बाहर पढ़ाने ने, तो आवाम दे बच्चे वोटर दा बच्चा भुखा मरदा है प्यासा मरदा है, सानू उहदे नाल कोई कंसर्न नहीं हैगा। पाकिस्तान दे तकरीबन 135 जिलों दे विच इस वेले ऐसी सूरत हाल है कि क्यामत नू वी वेख के शर्म आ जाए। पाकिस्तान दे विच लोग इस वेले अगर असी पंजाब के उन्होंने हिस्सों की गल करिए, राजनपुर की गल कर लिए, जनूबी पंजाब तौंसा शरीफ की गल कर लिए, तो वो लोग इस वेले गंदा पानी पीने मजबूर ने। उन्होंने लोगों के कोलो दवाइया नहीं है, उन्होंने लोगों के रहने की छत नहीं है, पर साडे हुक्मराना के कोल एक जुमला जरूर हैगा जिहड़ा कि वह वैसटर्न कंट्रियां कह रहे हैं कि यह वेखो यह लोग मर गए ने, आओ इन्हां दी मदद करिए, आ दो दो सानू 50 लाख डॉलर, आ दे दो सानू 5 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर। हुण अगली इमदाद लई साडी गौरमेंट बहुत मेहनत कर रही है, तो असी गौरमेंट नू एप्रीशिएट करांगे क्योंकि पैसा आएगा तो उन्हां दा फोटो सैशन होर अच्छा होएगा। पाकिस्तान दे विच सैलाब लई इस तरह लोग मरदे रहणगे, इस तरीके दे नाल अपनियां जानां दिंदे रहणगे, इस तरीके दे नाल असी पाकिस्तान लई या पाकिस्तान च रहण लई अपनी कीमत अदा करते रहेंगे। तुसी देखते रहो इंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया।